साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज 25 अक्टूबर 2022 को लगा है। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:29 पर यह सूर्य ग्रहण आइसलैंड से शुरू हुआ। भारत में ये सूर्य ग्रहण दोपहर लगभग 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 तक रहेगा। इस बार सूर्यास्त होने के बाद भी ग्रहण होगा। यह ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया सहित दुनिया भर में कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। हालांकि 25 अक्टूबर यानी आज लगने वाले ग्रहण आंशिक है, मतलब ये है कि चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य पर एक गहरी छाया डालेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का समापन सूर्यास्त के समय होगा। विशेषज्ञों के अनुसार सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, उससे आंखों की क्षति पहुंचती है। भारत में लगभग 40-50% सूर्य चंद्रमा से ढका है, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में दिखाई दे रहा है। क्यों है ये सूर्य ग्रहण इतना खास? यह सूर्य ग्रहण खास इसलिए है क्योंकि ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु और संयोग तुला राशि में बनेगा। इस संयोग पर शनि की दृष्टि भी होगी। सूर्य, केतु, शनि का प्रभाव होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। अगले एक महीने तक राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। मेष तुला राशि सूर्य ग्रहण का प्रभाव युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहे हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या न करें? ज्योतिषी के अनुसार ये सूर्य ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का परम ग्रास आरंभ होने के बाद कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होगी। इस दौरान घर से बाहर न निकले, नंगी आंखों से सूर्य को बिल्कुल न देखे। गर्भवती महिलाएं न तो कुछ खाएं और न ही सोए, अपने हाथ पैरों को सीधा करके बैठे। आप चाहें तो घर में थोड़ी देर टहल सकते हैं। ग्रहण का समापन होने के बाद स्नान जरूर करें। ग्रहण काल में पूजा पाठ वर्जित मानी जाती है। इस दौरान भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन राशि वालों को रहना होगा सावधान। ज्योतिषियों की माने तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 6 राशि के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए इन जातकों को संभल कर रहने की सलाह दी गई है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि मेष, मिथुन, कन्या, तुला, मीन राशि वालों को इस ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन लोगों को वैवाहिक जीवन, संतान पक्ष, करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।